3 minutes and 37 seconds of motherfucking opening logos. मैं परफॉर्म इसलिए नहीं करता हूँ कि कैप्टन बन जाऊँ, इसलिए करता हूँ कि इंडिया जीते. मैं अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए करता हूँ क्लिशे. पिक्चर अगर बीच से देखे ना तो समझ में नहीं आती, शुरू से बता. लॉयर ऑडियंस की कंफ्यूजन को ध्यान में रखते हुए कन्वीनियंटली शुरू से स्टोरी स्टार्ट करने को कहता है. अजहर का नाना छोटे बच्चों का क्रिकेट मैच देख के इमोशनल हो जाता है. मैं नहीं खेल पाऊंगा. इसकी बैंड को प्रणाम करूं, साला हर कोई इस मूवी में छोटी छोटी बात के लिए कुछ ज्यादा इमोशनल हो रहा है. कैन यू गेस सेट डिजाइनर्स फेवरेट कलर? नो, आई विल गिव यू अ हिंट. It's the same color as Chris Gayle's teeth. Director uses the same exact shot twice. यहाँ दुनिया से एक इमरान हाशमी नहीं संभल रहा और ये डायरेक्टर एक सीन में तीन तीन इमरान हाशमी डाल देता है. बानी को रोने का फुल एक्सपीरियंस है. अगर आपको नहीं पता कि बानी कौन है तो ask your mom. कसम से, she knows who बानी is. दो चार बार मिलेंगे, अपने आप बातें होंगी. हाँ, अगर ऐसे छुप छुप के उनपे नजर रखोगे तो खुदा की कसम सिर्फ बातें ही होंगी. और रोज रात को गिन भी लेना, खेलने से फट जाते होंगे सबके. दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली में आप सभी का स्वागत है. आइए जानते हैं आज के मौसम को. अजहर के पापा के दादा बनने के आसारों पर भारी बारिश के होने की संभावना है. विशेषज्ञ इसका प्रमुख कारण उनके बार बार अपने बेटे की लव लाइफ में टांग अड़ाने की आदत को मानते हैं. BCCI का डायरेक्टर अजहर को उसके ऑफिस या किसी रेस्टोरेंट पे खाने पे मिलने के बजाय रात के टाइम अकेले एक क्रिकेट स्टेडियम के बीचों बीच मिलने के लिए बुलाता है. मुझे नहीं सुनाई दिया, उसे कैसे सुनाई देगा? क्योंकि तेरे कान खराब है भाई. एक काम कर, लाउड स्पीकर लाके दे दे अजहर को, फिर शायद तुझे एक अक्षर सुनाई दे जाए. लारा दत्ता की कॉस्ट्यूम डिजाइनर इज क्लियरली अ हिलरी क्लिंटन फैन. अरे ये तो मास्टर है इनके, दो तीन मैचेस में बुरा खेलो और फिर एक आधे मैच में अच्छा. लेकिन ये तो नॉर्मल है, हर क्रिकेटर गुड फॉर्म या बैड फॉर्म में आते जाते रहते हैं. एक दो मैच में अगर अच्छा नहीं भी खेला तो उससे क्या प्रूव हो गया? वेस्ट इंडीज हैव सम प्रीटी गुड हुकर्स. द डबल मीनिंग जोक्स. सर, संगीता का रूम नंबर? सर, रूम नंबर 723. हाँ, क्योंकि होटल वाले सिर्फ पूछने से ही किसी का रूम नंबर बता देते हैं, कोई क्वेश्चंस पूछने की तो साला कोई जरूरत ही नहीं है. अरे मीडिया वाले हैं या वो पर्ज मूवी वाले विलेन, ये तो साले पीछे ही पड़ गए. क्यों देखूंगा उसकी आंखें? मैं उसकी आंखें देखने आया हूं क्या? तेरा पता नहीं, लेकिन मैं एक रियली ओवररेटेड बंदे को जानता हूं जो कि इस हीरोइन की आंखों को पूरा घूर घूर के देखेगा. KRK, आपको क्या लगा मैं किसकी बात कर रहा था? व्हाट द शिट. अपेरेंटली लंदन में टूरिस्ट बस, मेट्रो स्टेशन, शॉपिंग सेंटर और ब्रिजेस सब एकदम खाली है, ताकि अजहर और संगीता की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो. मेरी मैगजीन के अगले इशू में तुम दोनों की लीड स्टोरी है, संभल के रहना, बातें होंगी. ऐसे दोस्तों तो पैंट, दुश्मनों की किसको जरूरत है? अरे जा, तुम जैसों पर तो तरस खाना ही गलत है. एसहोल जिम ओनर इज एसहोल. अगर इन टेप्स को सच मान के चले तो सबको बैन कर देना चाहिए. डम्ब लॉयर टर्न्स आउट नॉट टू बी सो डम्ब. मैं यहाँ सिर्फ ऑर्डर करने के लिए नहीं बैठा, बयान पर गौर कर रहा हूँ. आप मुझे बार बार याद मत दिलाइए. दिस जज विल बी फकिंग अमेजिंग एट फाइंडिंग मिस्टेक्स. Well, I guess that's why he's a judge. Court Azhar को लंच ब्रेक के टाइम में भी कोर्ट में बैठने के लिए अलाउ कर देता है. सनसनी के दौर में देश का भरोसा सिर्फ आज तक पर है. लेकिन इस YouTube चैनल का पूरा भरोसा भारत के सबसे रियल फेक न्यूज चैनल इंडिया टीवी पर है. इंडिया टीवी, show us some bullshit and we will report on it. ये रेस्टोरेंट वाले ने बोर्ड पर सिर्फ आइटम्स के नाम लिखे, उनके प्राइसेस नहीं. तेरे पैसे मैंने वापस भिजवा दिए. लेकिन कहां और कैसे भिजवाए हैं मुझे ये बताने की कोई जरूरत ही नहीं है. कभी कभी सोचता हूं जिस एंगल से अजहर इस फोन को फेंकता है उस एंगल से तो ये फोन कभी भी इस डस्टबिन में ना गिरे.